समाजवाद के एक युग का आज अंत हुआ है, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, पहले तो बहुत दुखद घटना है समाजवादी पार्टी के लिए, एक अपूर्णीय क्षति, और उससे भी विशेष राजनीतिक दल की राजनीति से ऊपर उठकर देखा जाए तो एक परिवार के लिए अभूतपूर्व हानि। आज आदरणीय अखिलेश जी के लिए शब्द नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि जो क्षति एक पिता के रूप में जो उन्होंने सेवा की, एक पुत्र के रूप में जो उन्होंने अपने धर्म का पालन किया, वो बहुत ही अतुलनीय है और विस्मरणीय रहेगा। नेताजी के अंतिम इच्छाओं तक का उन्होंने हमेशा ध्यान रखा। और सबसे दुखद बात यह है कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आज दलगत राजनीति नहीं, देखे प्रकृति भी रो रही है। आज इंद्रदेव भी रो रहे हैं, ये प्रकृति भी आंसू ही बहा रही है। जिस तरह का तांडव, जिस तरह की बारिश इस समय हो रही है पूरे प्रदेश में, ये शायद प्रकृति का ही अपना एक एहसास दिलाने की परिकल्पना का आधार है, जो आज आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। जी हाँ विवेक जी, दो दिन से लगातार बारिश हो रही है और बहुत ही जबरदस्त बारिश हो रही है। कहीं ना कहीं ये भी एक शोक व्यक्त किया जा रहा है प्रकृति की ओर से, पूरा प्रदेश आज दुख में है। संकेत था, संदेश था, क्योंकि एक सादगी, एक गर्जना, विराजवंत की भ्रांतिया, न थके कभी उनके कदम, न उद्देश्यों में वो झुके, कठोरतम की मंत्रणा जीवित की उन्होंने हर गरीब की कल्पना, लौ समान नीतियों पे संकल्प सिद्ध की संकल्पना, हे युग पुरुष सदा गूंजेगी सदा जयकार की गर्जना। और मैं इतना ही कहूंगा कि आदरणीय स्वर्गीय नेताजी को, ब्रह्मलीन लौ पुरुष स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की दिवंगत आत्मा को आज ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे, क्योंकि विपरीत दलों के भी नेता, चाहे आप किसी भी दल की बात करिए, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सभी के लिए कष्टकारी समय है। क्योंकि देखिए नेताजी, विवेक जी एक अहम सूचना आ रही है, अखिलेश यादव पार्थिव शरीर लेकर रवाना हो चुके हैं, और पहले जानकारी में जैसे आ रहा था कि वो लखनऊ लेकर आएंगे ताकि प्रदेश कार्यालय पे लोग उनके दर्शन कर सकें, लेकिन वो सीधे पार्थिव शरीर को लेकर सफाई के लिए रवाना हो रहे हैं। जी जी, देखिए नेताजी अपने अंतिम समय तक अपने कार्यकर्ताओं से विशेष स्नेह लगाव रखते थे। आज पूरा समाजवादी कुनबा, समाजवादी विचारधारा और उनके समर्थक सभी अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे हैं। हम लोग सुबह से अपने आंसू रोक नहीं पा रहे, तो ये बहुत ही भावुक क्षण है कि मतलब अपने एक बुजुर्ग को, अपने मार्गदर्शक को खो देना, वो भी ऐसे समय में कि आकस्मिक, क्योंकि कल तक खबर ये आ रही थी कि नेताजी की स्वास्थ्य में सुधार हो रहा था जी। लेकिन सभी उनकी मंगल कामना जीवन की करते हुए पूजा कर रहे थे, कहीं मंत्रों के जाप हो रहे थे, कहीं इस तरह से मतलब शब्द मेरे अटक रहे हैं, आप अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन जिस तरह से महामृत्युंजय से लेकर के नमाज और दुआएं, आयत, हर तरह से जो जिस प्रकार से उनके जीवन के लिए प्रार्थना कर सकता था करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन शायद प्रकृति संकेत दे रही थी और हम नहीं समझ पाए, तो आज ये हम लोगों के लिए बहुत अभूतपूर्ण क्षति है समाजवादी पार्टी के लिए, और शायद बहुत समय लग जाएगा अब हमें इस दुख से बाहर निकलने में। जी हाँ विवेक जी, सही कह रहे हैं आप कि देश प्रदेश में आज शोक की लहर है। मुलायम सिंह यादव आज छोड़ के चले गए हैं सबको, बहुत ही राजनीतिक गलियारों में भी बहुत ही गमगीन माहौल है इस समय, और सपा कार्यालय पे भी काफ़ी जमावड़ा लगा हुआ है, लोग उन वहाँ पे पहुँच रहे हैं, अपना शोक संतावना व्यक्त करना चाहते हैं। सफाई में भी भारी संख्या में लोग पहुँचने का अनुमान लगाया जा रहा है, और जैसी जानकारी के अनुसार आ रहा है कि उनके पैतृक गाँव में लोग पहुँचना शुरू हो गए हैं। समाजवाद का एक युग का अंत हो गया है आज। जी विवेक जी, जीवन की परिकल्पना अगर आप देखेंगे, नेताजी दलगत राजनीतिक विचारधाराओं से बहुत ऊपर उठ चुके थे। सदन में रहकर जब उन्होंने मोदी जी को आशीर्वाद दिया, वो एक संकेत था कि अपने आंख में एक राजनीतिक ग्रंथ के समान उन्होंने पूरे राजनीति का सार समेट लिया था अपने जीवन में, अपने विचारों में। और मुझे लगता है कि उनके स्थापित किए हुए आदर्शों को आत्मसात करते हुए राजनीतिक दलों को आज इस चीज को सीखना चाहिए कि किस तरह से राजनीतिक शिष्टाचार मर्यादा का पालन करते हुए, चाहे विपरीत रहा हो चाहे पक्षकार रहा हो, उन्होंने हर समय सबकी संभव सहायता की, सबकी संभव मदद की, तो अतुलनीय योगदान रहा उनका हमारे जीवन में। हम लोग बचपन से उन्हें देखते हुए बड़े हुए, उनसे प्रेरणा लेते रहे, उनके दिखाए मार्गों पे चलने का प्रयास करते रहे, और मुझे लगता है कि आज शोकाकुल दिवस है, 3 दिन का शोक भी घोषित किया है सरकार के, वो धन्यवाद देता हूँ इसके लिए मैं बहुत, और निवेदन करूंगा कि दलगत राजनीति से उठकर अंतिम समय में उनके दर्शन के लिए सभी आए और सभी उनके अंतिम दर्शन कर उनके विचारों को आत्मसात करें। जी विवेक जी, बहुत ही जमीनी नेता थे, बहुत ही सरल स्वभाव के नेता थे, और इसीलिए उनको धरती पुत्र मुलायम सिंह कहा जाता था।
जो जो भी उनसे मुलाकात जिनकी भी हुई है वो जानते हैं कि बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और बहुत ही प्रेम से लोगों से मिलते थे, इसीलिए लोगों के दिलों में वो हैं और बड़ी संख्या में इसीलिए लोग उनके दर्शन करने के लिए पहुंचना चाहते हैं और सभा कार्यालय पर इकट्ठा भी हो रहे हैं और सफाई में भी पहुँच रहे हैं ताकि मुलायम सिंह का आखिरी दर्शन कर सकें और अपना शोक व्यक्त करते अपना दुख व्यक्त कर सकें उनके प्रति। विवेक जी, इस खबर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान परिवार में 22 नवंबर 1939 को एक किसान परिवार में मुलायम सिंह का